हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है स्टूडेंट्स विकास जनित और समानता। क्या है विकास जनित और समानता? स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से हम भारत में जो विकास की वजह से असमानताएं जो है पाई जाती हैं उनका अध्ययन करेंगे। विकास जनित असमानताएं जो होती है वो स्टूडेंट्स औद्योगिकरण, नगरीकरण, उदारीकरण, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के द्वारा जो भी असमानताएं उत्पन्न होती है उसे विकास जनित असमानता के नाम से जाना जाता है। जैसे उद्योगों का विकास या फिर वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, जिस क्षेत्र में ज्यादा, कुछ क्षेत्रों में ज्यादा और कुछ में जो है कम होता है, तो धीरे धीरे उन क्षेत्रों में असमानता उत्पन्न हो जाती है, तो इसे विकास जनित असमानता या विकास जनित असमानता कहा जाता है। भारत में असमानता उत्पन्न हो जाती है। तो ये इससे क्या होता है, जो नगरीय क्षेत्र है उन नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा जो बेरोजगारी है, निर्धनता है, ये बेरोजगारी और निर्धनता जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ पर निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि नगरों में औद्योगिकरण की वजह से नगरीकरण होता है और वहां पर अधिकतर सभी लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध होती है, इसीलिए बेरोजगारी और निर्धनता में कमी पाई जाती है। जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें निर्धनता से नीचे, निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या जो होती है लोगों की वो अधिक होती है। इसीलिए वर्तमान में हम देखें तो हमारे भारत देश में स्टूडेंट विकास जनित असमानता जो है वो निश्चित रूप से एक समस्या के रूप में उभर कर आ रही है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अच्छे से विकास हो रहा है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इससे मुख्य समाजशास्त्री जो है आंद्रे विदाई ने इसे एक छोटी सी परिभाषा देकर समझाने का प्रयास किया। स्टूडेंट्स, इन्होंने ये कहा है कि बिना परंपरा तथा नियमों के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है और ये ही सामाजिक असमानता को जन्म देती है। यानी जहां परंपराएं नहीं है, किसी प्रकार के कोई नियम नहीं है और इन नियमों के बिना यदि विकास होता है तो वो विकास कैसा होगा स्टूडेंट्स? असमान होगा, यानी असमानता हमें उसके अंतर्गत दृष्टिगोचर होती है। इस तरह से हम देखते हैं तो हमारे भारत देश में विभिन्न क्षेत्रों में हमें असमानता दिखाई देती है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। और वर्तमान में हम देखें तो औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण जो अमीर और गरीब के बीच, शोषक और शोषित वर्ग के बीच जो खाई है वो अत्यंत चौड़ी होती जा रही है और ये असमानता जो है वर्तमान में औद्योगिकरण के कारण अत्यंत विराट रूप धारण कर रही है। तो इस असमानता की कुछ विशेषताएं यदि हम देखें, समाज में असमानता कब होती है?
जब एक व्यक्ति को कोई उच्च पद प्राप्त है, उच्च परिस्थिति प्राप्त है और दूसरा व्यक्ति जो है निम्न पद या निम्न परिस्थिति पर बैठा है, साथ ही साथ जो पद होगा उसके आधार पर उस व्यक्ति को क्या प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। तो पद के अनुसार शक्ति प्राप्त हुई और शक्ति के आधार पर ही वो क्या होता है, असमानता की श्रेणी में आ जाता है। यदि अलग अलग समाजों में हम अलग अलग असमानता के स्वरूपों को देखें तो हमारे भारत देश में स्टूडेंट्स मुख्य रूप से देखते हैं तो जाति के आधार पर जो असमानता है वो हमें मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होती है। भारत देश में जाति के कारण समाज में जो है असमानता पाई जाती है, उच्च और निम्न जाति का जो अंतर है वो भारत में हमें मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होता है। इसकी बजाय अमेरिका या अन्य देशों में हम जाके देखें तो वहाँ जाति की बजाय श्वेत और अश्वेत, गोरे और काले की जो असमानता है, गोरे और काले का जो भेद है वो हमें देखने को मिलता है। यानी जाति के आधार पर असमानता में अमेरिका जैसे देशों में देखने को मिलती है, वही भारत देश में भी जाति के आधार पर भी असमानता जो है वो देखने को मिलती है। सब धीरे धीरे किंतु धीरे धीरे हमारे देश में इस असमानता के रूप में जो है परिवर्तन आता जा रहा है, क्योंकि अब जाति का स्थान जो है वो किसने ग्रहण कर लिया है, वर्गों ने ग्रहण कर लिया। किसने ग्रहण कर लिया, वर्ग ने। तो अब जो पहले जाति के आधार पर उच्च जाति और निम्न जाति में असमानता जो पाई जाती थी वो स्थान अब वर्गों ने ले लिया है और हमारा समाज जो है वर्तमान में वो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित हो गया है। यानी हम कह सकते हैं उच्च वर्ग यानी शोषक वर्ग और शोषित वर्ग में वह विभाजित हो गया है। तो धीरे धीरे इस असमानता के रूप में क्या हो रहा है स्टूडेंट, परिवर्तन होता जा रहा है। यदि हम असमानता के विभिन्न पहलुओं को देखें तो केवल जाति एवं वर्ग के आधार पर ही असमानता नहीं पाई जाती है स्टूडेंट्स। यदि हम देखें तो आयु के आधार पर भी असमानता में दृष्टिगोचर होती है हमारे भारत देश में, साथ ही साथ लिंग के आधार पर जो है असमानता, संपत्ति के आधार पर असमानता, शिक्षा के आधार पर असमानता इत्यादि रूप में, धर्म व्यवसाय इत्यादि के आधार पर भी हमारे भारत देश में असमानताएं पाई जाती है। इस असमानता की प्रकृति को यदि हम देखें स्टूडेंट तो असमानता की जो प्रकृति है वो कैसी है, वो सार्वभौमिक है। क्योंकि कोई भी स्थान किसी भी देश में, कोई भी स्थान कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर असमानता नहीं पाई जाती हो। यानी हम देश के हर कोने हर हिस्से में, विश्व के हर कोने हर हिस्से में यदि जाके देखें तो वहां पर हमें असमानता जो है वो मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होती है। तो इस रूप में असमानता के रूप अलग अलग है किंतु हर जगह हर देश में हमें किसी न किसी रूप में असमानता देखने को मिलती है। भारत में इसका रूप अलग हो सकता है, जाति शिक्षा संपत्ति व्यवसाय इत्यादि के रूप में दृष्टिगोचर हो सकती है, और अमेरिका जैसे देश में यह हमें प्रजाति के रूप में दृष्टिगोचर हो सकती है। अब चीनी जो विकास असमानता है, इस विकास असमानता या विकास जनित असमानता जो है स्टूडेंट्स, इस विकास जनित असमानता की अनेक प्रवृत्तियां जो होती है वो हमें वर्तमान में देखने को मिलती है कि किस किस रूप में हमें असमानताएं जो होती है दृष्टिगोचर होती है, विकास जनित असमानताएं दृष्टिगोचर होती है। कौन सी क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में असमानता जो है दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि समाजशास्त्र में यदि विभिन्न प्रकार के अध्ययन किए तो उन्होंने उन अध्ययनों के आधार पर पता कर क्या पाया कि विकासशील देशों में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से जीवन यापन
जीवन स्तर, खान पान, रहन सहन इत्यादि में हमें हमेशा सामाजिक असमानता जो है वो दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि शहरी ग्रामीण क्षेत्र या फिर जनजातीय क्षेत्र को ले लें तो वहां पर शिक्षा, जीवन स्तर, खान पान और रहन सहन का जो तरीका होता है, रहन सहन का जो सिस्टम होता है, व्यवस्था जो होती है, उनमें पूर्णतया अंतर पाया जाता है। गरीबी तथा अमीरी की खाई का चौड़ा होना, ये चीज मैंने आपको अभी जब अपना वीडियो स्टार्ट किया था उस समय भी बताई थी कि वर्तमान में जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ कौन सा वर्ग होता है? मजदूर वर्ग होता है, और मजदूर वर्ग से अत्यंत कार्य करवा कर वो क्या होते हैं? शोषण का शिकार होते हैं, क्योंकि उन्हें उनके हिस्से का जो लाभ होता है वो नहीं मिल पाता है। इससे वो क्या होते हैं? पूंजीपति जो अमीर व्यक्ति है वो उन मजदूरों के लाभ को हड़प कर जाता है, वो अत्यधिक क्या होता जा रहा है? अमीर होता जा रहा है, और एक मजदूर वर्ग या गरीब वर्ग जो है वो अत्यंत गरीब होता जा रहा है। तो ये और इसके साथ साथ एक अमीरी और गरीबी की खाई का जो चौड़ा होना है कि वर्तमान में जो उद्योगों की स्थापना हो रही है और औद्योगिकरण जो हो रहा है, उस औद्योगिकरण की वजह से जो लघु उद्योग है, दस्तकारी उद्योग है, या गाँव में चलने वाले जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, उन वो उद्योग धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति जो है, छोटे मोटे कार्य करने वाला जो व्यक्ति है, दस्तकारी छोटे लघु उद्योगों में कार्य करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या होता जा रहा है? बेरोजगार होता जा रहा है। इसकी वजह से उन्हें जो मूलभूत उनकी व्यवसाय में आवश्यकताएं जो है वो मूलभूत आवश्यकताएं उन्हें नहीं मिल पा रही है, और इसकी वजह से वर्तमान में गरीबी और अमीरी की खाई का चौड़ा होना निश्चित है। तो मुख्य रूप से विकास जनित असमानता जो है उसकी मुख्य रूप से तीनों प्रवृत्तियां जो है वर्तमान में हमें भारत देश में दिखाई देती है, आर्थिक, सामाजिक और अमीरी और गरीबी की खाई का चौड़ा होना। अब ये असमानताएं जो पाई जाती है या विकास जनित असमानता जो हमारे देश में बढ़ रही है वर्तमान में, प्राकृतिक और भौगोलिक कारण सबसे प्रमुख कारण जो है यही माना जाता है कि वर्तमान में भारत देश में विकास जनित असमानता जो है वो बढ़ रही है। कुछ क्षेत्र प्राकृतिक और भौगोलिक कारण
क्षेत्रों में भौगोलिक कारकों से लाभ से वंचित क्षेत्र हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां इन कारकों की वजह से उन्हें काफी लाभ होता है। जैसे जो क्षेत्र समुद्र अथवा नदी तटों के किनारों में बसे हुए हैं या जो बंदरगाह हैं या फिर जो दो देशों की सीमा पर होने के कारण बसे हुए देश हैं, उनको ज्यादा लाभ होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बंदरगाह है, देश या समुद्र के तट पे बसे हुए, इसकी वजह से वहां आवाजाही की वजह से उन्हें काफी प्रॉफिट होता रहता है। तो उन क्षेत्रों में जहां पर प्राकृतिक और भौगोलिक कारक सुविधापूर्ण स्थिति में उपलब्ध है, वहां पर विकास जनित असमानता जो है कम में दिखाई देती है। लेकिन जहां इस तरह की सुविधाएं नहीं है, प्राकृतिक संपदा उपलब्ध नहीं है, औद्योगिक तट नहीं है, बंदरगाह नहीं है, वहां पर स्टूडेंट्स क्या होती है, विकास जनित असमानता जो है हमें मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होती है। दूसरा कारण जो है स्टूडेंट्स विकास जनित असमानता का, वो आता है आर्थिक पर्यावरण। ये तो मैंने आपको भी जो प्रवृत्तियां बताई थी आपको विकास जनित असमानता की, उसके अंदर की जो हमने अंतिम पॉइंट पढ़ा था तीसरा पॉइंट, उसके अंदर भी बताया था कि अमीरी और गरीब की जो खाई है वो लगातार क्या होती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? आर्थिक पर्यावरण ही है। आर्थिक पर्यावरण की वजह से ही वर्तमान में क्या हो रहा है, विकास जनित असमानता जो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आर्थिक पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? व्यापार का उल्लंघन, कुशल श्रमिकों का होना, यातायात और संचार सुविधाओं का होना, आधारभूत सुविधाओं का मिलना तथा अच्छे पर्यावरण का होना, और ये सारी चीजें जो है न तो हर जगह कुशल श्रमिक मिल सकते हैं, न ही सुविधाएं मिल सकती है, न ही व्यापार का जो खुलापन है वो हमें हर जगह उपलब्ध हो सकता है। ऐसा नहीं है कई कई उद्योग धंधे हैं तो वहां पर कुशल श्रमिक नहीं है, कहीं उद्योग धंधे हैं तो यातायात और संचार के साधन नहीं है। तो ये सारी चीजें यदि एक साथ मिलती है तो फिर विकास जनित असमानता उत्पन्न नहीं होती है। किंतु इस आर्थिक पर्यावरण की वजह से यदि व्यापार का खुलापन नहीं है, कुशल श्रमिक नहीं है, यातायात और संचार के साधन नहीं है, तो उन क्षेत्रों में क्या होना चाहिए? सरकार के द्वारा आर्थिक पर्यावरण की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि क्या होगा, ये जो विकास जनित असमानता है वो उत्पन्न नहीं होगी। तीसरा मुख्य कारण जो होता है स्टूडेंट्स विकास जनित असमानता का, वो ये आता है श्रम विभाजन, यानी श्रम का विभाजन। औद्योगीकरण में मुख्य रूप से हम देखें तो ये श्रम विभाजन जो है हमें अवश्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई व्यवसाय करना पड़ता है, कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। तो इस वजह से हर व्यक्ति का विभाजन जो श्रम जो मेहनत करता है उसका विभाजन जो है अलग अलग रूप में पाया जाता है, क्योंकि समाज के सभी व्यवसाय जो होते हैं समान प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। कई व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसकी समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान जो है वो अधिक होता है, किंतु कई व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनकी समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान जो है वो कम होता है। इस वजह से क्या होता है, इस श्रम विभाजन की वजह से या व्यवसायों की भिन्नता की वजह से भी हमें असमानता जो है वो दृष्टिगोचर होती है। अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है असमानता का, वो आता है निजी संपत्ति। निजी संपत्ति ने वर्तमान में हमारे देश में असमानता को अत्यंत विकराल रूप में विस्तृत कर दिया है, यानी असमानता हमारे देश में वर्तमान में बढ़ती जा रही है। तो उसका मुख्य कारण क्या है स्टूडेंट्स? निजी संपत्ति ही है, क्योंकि धन कमाने की इच्छा जो है हर व्यक्ति में होती है और वो चाहता है उसका लाभ
दोनों आधार पद के आधार पर असमानताओं की दृष्टि से लेने के साथ साथ हमारे बीच में जो निजी संपत्ति की भावनाएं हैं उन्होंने असमानता को बहुत ही बढ़ा दिया है। अब यदि हमारे देश में इस प्रकार की यानी प्राकृतिक भौगोलिक आर्थिक या श्रम विभाजन में निजी संपत्ति के आधार पर जो विभिन्न प्रकार की असमानताएं पाई जाती है, इन असमानताओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है ताकि समाज में ये विकास जनित असमानता ना हो, तो इस विकास जनित असमानता को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? जो हमारे देश में असमानता बढ़ रही है उसको रोकने के लिए सबसे पहला उपाय जो है स्टूडेंट्स वो किसके द्वारा किया जाना चाहिए? सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि विकास की नीति का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार ही विकास की नीति का निर्माण करती है। तो ये विकास की नीति जो है वो किसी भी देश की किसी भी क्षेत्र की जो आधारभूत संरचना है उस आधारभूत संरचना को ध्यान में रखकर ही विकास की नीति जो है वो बनाई जा रही है। यानी जिस क्षेत्र की जैसी संरचना है उस आधार को संरचना के आधार पर भी क्या किया जाना चाहिए? विकास की नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे जो भारत देश है वो कैसा देश है स्टूडेंट्स? विकासशील देश है। और विकासशील देश होने के साथ साथ ये कल्याणकारी क्षेत्र की जा सकती है।